Hello friends, welcome to Tanisha Classes. If you like my channel and it's very useful to your kids, so please do like, share and subscribe for more videos. Mostly parents की demand होती है, उनकी queries होती हैं कि उनका बच्चा pencil hold नहीं कर पा रहा है, writing नहीं कर पा रहा है, उसकी grip नहीं अच्छी बन रही है. तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल नहीं दीजिए. सबसे पहले आप उसको ये कलर्स दीजिए, क्रेयॉन्स दीजिए या पेस्टल कलर्स दीजिए जो थोड़ा थिक होते हैं, और आप अपने बच्चों को न्यूज़पेपर दीजिए या कोई रफ पेपर दीजिए ताकि वो उसमें इस तरह से स्क्रिबलिंग कर सके. जब बच्चों को स्क्रिबलिंग अच्छे से आ जाएगी तब आप उनको एक शीट में एक सर्कल ड्रॉ करके दीजिए लाइक दिस. कोई भी शेप, कोई भी फिगर, पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है. अब मैं इसको कलर करूँगी और ये आपको अपने बच्चों को बताना है कि ये सर्कल की आउटलाइन है और उसके अंदर आपको इस टाइप से कलर करना है, पूरा फिल करना है. ये जो वाइट दिख रहा है इसको आपको कलर करना है, वाइट नहीं दिखना चाहिए, ऐसे पूरा कलर करना चाहिए. जब आप इसको कलर कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे की ग्रिप अच्छी बन पाएगी. तो उसके लिए बच्चे को पहले स्क्रिबलिंग करना है और बहुत कलरिंग करनी है, तब वो लाइक दिस उसकी ग्रिप अच्छे से बन पाएगी. ठीक है, अब इसके बाद तो आप अपने बच्चों को न्यूज़पेपर में स्क्रिबलिंग करा लिया आपने, आपने रफ शीट पे आपने सर्कल बनाया प्लेन पेपर पे और उस पर भी करा लिया. तो अब मैं आपको बताऊंगी पैटर्न्स, लाइंस. जब बच्चा स्क्रिबलिंग कर ले, अच्छे से कर लेता है और वो कलरिंग अच्छे से करने लगता है, उसकी ग्रिप बन जाती है, पेंसिल होल्ड करना जब बच्चा जान जाता है, तो उसके बाद आता है पैटर्न्स. अब पैटर्न्स की हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइंस ड्रॉ करेंगे. तो उसके लिए आपको सबसे पहले पॉइंट रखना होगा ऐसे, इस टाइप से आप पॉइंट रखिए. ठीक है, फिर आप अपने बच्चे को ये कलर दीजिए. पेंसिल नहीं देनी है, नो पेंसिल, ओनली कलर्स. कलर्स से ही बच्चा पहले पैटर्न करेगा, जब बच्चे से कर लेगा तब आप उसको पेंसिल देंगे. तो यहाँ पे इस डॉट से बच्चों को बताइए कि इस अप टू डाउन इस डॉट से यहाँ पे बच्चे को मिलाना है ऐसे. ये कौन सी लाइन बन गई हमारी, स्टैंडिंग लाइन. तो ऐसे बच्चा सारी डॉट्स को ऐसे स्ट्रेट मिलाता जाएगा. अगर वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्टैंडिंग लाइन बन गई. अब हम आते हैं स्लिपिंग लाइन पे लाइक दिस. ये आपने दो डॉट्स रख दी. ठीक है, अब बच्चे को यहाँ से इस डॉट से राइट लेफ्ट टू राइट जाना है ऐसे, लेफ्ट टू राइट. दिस इज स्लीपिंग लाइन. नाउ कम टू स्लैंटिंग लाइन. उसके लिए आपको इस टाइप से बच्चे को डॉट करके देना है लाइक दिस. ठीक है, अगेन अप टू डाउन, यहाँ से यहाँ पे मिलाएगा बच्चा लाइक दिस. तो ये आपकी हो गई स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप बच्चे को दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपने उस डॉट को मिलाया, आपकी हो गई स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, नाउ कम टू कर्व्स. कर्व्स जैसा कि मैंने बताया, आप दो डॉट भी रख सकते हैं और आप थ्री डॉट भी रख सकते हैं. ठीक है, नाउ बच्चा कर्व ऐसे बनाएगा ऐसे, या फिर वो इस डॉट पे आया और फिर यहाँ से इधर आया, ऐसे भी बना सकता है. नाउ जब कर्व बनाने लगा तो बच्चा इजीली सर्कल ड्रॉ कर लेगा लाइक दिस. ठीक है, तो ये सर्कल हो गए. अब इसके बाद हम आते हैं ज़िगज़ैग लाइन पे. उसके लिए आपको ऐसे डॉट्स करनी है लाइक दिस.
अब बच्चा क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। पहले अप टू डाउन था, अप डाउन टू अप ऐसे जाएगा, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस टाइप से वो इजीली ज़िगज़ैग लाइन बना लेगा। ये लाइन क्लियर हो जाती है तब बच्चा इजीली लूप्स बनाएगा। अभी लूप्स कैसे बनेगा, लाइक दिस, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, लूप स्ट्रोक्स। इसे क्या बोलेंगे हम, लूप स्ट्रोक्स बोलेंगे। देन हम्प्टी स्ट्रोक्स आता है, हम्प्टी स्ट्रोक लाइक दिस ऐसे बनता है, दिस इज कॉल्ड हम्प्टी स्ट्रोक्स। हम्प्टी स्ट्रोक के बाद आता है सर्कुलर स्ट्रोक, जो सर्कल के टाइप में बनता है, लाइक दिस ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका हम्प्टी स्ट्रोक हो गया। अब आता है डिग आउट स्ट्रोक, डिग आउट लाइक दिस, ये हो गया। देन आता है बम्पी स्ट्रोक, बम्पी स्ट्रोक कैसे होता है, लाइक दिस, यू की तरह ज्वाइन करके ऐसे पूरा बन जाता है बम्पी स्ट्रोक। नाउ लास्ट वन इज जिपर स्ट्रोक, जिपर कैसे आता है, लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया हमारा जिपर, ठीक है। मैंने आपको सारे पैटर्न्स बता दिए हैं, आप इसी वे में चलेंगे तो आपका बच्चा जल्दी से पेंसिल भी होल्ड कर लेगा और उसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, वो राइटिंग करना स्टार्ट कर देगा, उसे अच्छे से राइटिंग आ जाएगी। जब सारे पैटर्न्स हमने कर लिए तो अब बच्चा इजीली राइटिंग करना उसको आ जाता है, तो हम एकदम से उसको ए बी सी डी नहीं देंगे लिखने के लिए, 1 2 3 4 नहीं देंगे, छोटा बड़ा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे कि उसको वैसे ही रिकैप करेंगे पैटर्न्स का, रिवीजन कराएंगे पैटर्न्स का। उसके लिए हम अभी 2 डॉट दे रहे थे, अब हम उसको स्टैंडिंग लाइन के लिए 3 डॉट्स देंगे, लाइक दिस ऐसे देंगे स्टैंडिंग लाइन के लिए, ठीक है, और स्लीपिंग लाइन के लिए ताकि वो और अच्छे से अपनी लाइंस क्लियर बना सके, स्लैंटिंग के लिए, ठीक है। कर्व्स ज़िगज़ैग, ये मेन होते हैं, स्टैंडिंग लाइन जैसे कि मैंने बताया था, क्रेयॉन्स दीजिए और उससे वो इजीली ऐसे ज्वाइन करेगा, उसकी लाइन इधर उधर नहीं होएगी क्योंकि अब उसने प्रैक्टिस कर ली है। नाउ स्लीपिंग लाइन, एंड स्लैंटिंग लाइन, नाउ कर्व्स, एंड ज़िगज़ैग। तो मैंने आपको कैसे बच्चे की शुरुआत करनी है राइटिंग में सब कुछ मैंने बता दिया, पैटर्न्स मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा ABCD का, कि कैसे बच्चे को ABCD से नहीं स्टार्ट करना है, स्टैंडिंग लाइन वाले लेटर्स लेने हैं, स्लीपिंग लाइन वाले, देन उनको 4-4 करके उनको बताना है, तब वो अच्छे से जल्दी सीख जाएंगे। Thanks for watching my channel and please do subscribe, share for more videos.